तो माशाल्लाह से ये देखें जगह जो है ना मुकम्मल सज गई है। देखें सारी लाइटिंग वगैरह लगा दी गई है देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें लाख जो है ना बहुत प्यारे लगे हुए हैं मुझे। इधर पे खुलेंगे, इधर पे इधर पे खुलेंगे, लेकिन खोलने का तरीका ही नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारा किचन लग रहा है। ये देखिए ये जो है ना सेटअप बहुत अच्छा किया है उसी भाई ने। बाहर का व्यू है देखें, बाहर गेट लगा हुआ है तो ये मेन गेट है। ये मेन गेट है हाँ। अभी हम अम्मी के घर आ गए हैं तो सुबह से घर का काम खत्म किया है। बस मैंने कहा कि आज अम्मी के घर की वीडियो शेयर करूंगी सबसे बात भी करवाऊंगी जी इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, पता नहीं शबाना भाभी पता नहीं क्या कर रही है। हाँ सवेरा कहती है नकाब तो लगाने दो। ये बच्चे बच्चे खेल रहे हैं। उस्मान उस्मान क्या कर रहे हो? उस्मान उस्मान किधर आओ, सलाम तो करो। ओ क्या कर रहे हो? बाय बाय तो करो। बार क्या कर रहा है? दोनों ने ब्लैक कलर के जो सूट पहने हुए हैं। क्या क्या खाया था? चावल खाए मुंह के बच्चा चावल लगे हुए हैं ऐसे। हुसैन सलाम तो करो, सलाम तो करो। उमर आप सलाम करो, सलाम करो। उस्मान जो है ना खेल रहा है। सलमान जी और भाभी क्या कर रही है? मेरे कुकिंग कर रही हूँ जी जी। क्या बना रही हूँ? मैं ना आज बना रही हूँ चावल। आज ना सबे तो सबसे पहले तो सबको सबे मेरा भी आ गई है सबे। हाँ मैं अकाल से नहीं हूँ, मैं तीन चार रोज हो गए इधर ही हूँ। अच्छा अच्छा और सुनाए ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हम इधर आ रहे तो हमने सोचा कि आज इधर वीडियो बनाते हैं और वसीम का घर वगैरह शेयर करेंगे आज इंशाल्लाह। चलो फिर दिखाते हैं क्योंकि हमारे सब बहन भाई कह रहे हैं कि जरा सब घर दिखा रहे हैं, आपने अपने भाई का घर क्यों नहीं दिखाया? हाँ तो अभी दिखाया, मैं भी दिखाऊंगी। बारी बारी सब दिखा रहे हैं ना। तो खाना इधर आलू के और मटर के साथ खाना है? नहीं नहीं चावल बना रहे हैं। चावल बना रहे हैं सब मिक्स कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं उमर? ये बस उस्मान जो है ना आलू खा। उस्मान क्या कर रहे हो? हैं ये देखो कच्चे आलू खा रहे हैं। उस्मान नहीं खाएगा, कच्चे आलू नहीं खाएगा उस्मान। अभी जाते हैं और आगे और वसीम से भी मुलाकात कराते हैं और उसका जो घर है उसके घर का विजिट भी करते हैं। थोड़ा सा काम बच गया है मेरे ख्याल में तो वो अपने घर का भी हो रहा है। अम्मी जो है ना वो उसने अपना जो किचन है ना उसका वो उसमें सामान पड़ा हुआ था पहले से बना हुआ था ना तो वो सेट करा रही। वो कह रही है चलो ये किचन बन जाएगा तो उसमें सामान वगैरह रखेंगे ना तो फिर चलाओ फिर आगे चलते। तो ये देखिए जहांगीर खान तरीन का भी जहाज हमारे घर से साथ गुजर रहा है। ये देखिए ये भी जा रहे हैं। तो आज ये जो है ना चूल्हा अम्मी का जो है ना तोड़ रहे हैं क्योंकि जो है ना तोड़ दिया है। तोड़ कर इधर ही नया बनाएंगे, इसकी सेटिंग करेंगे। हाँ अच्छा। इसकी भी सेटिंग करेंगे, वो भी है भाई का भी है और जो है ना किचन अंदर ये जो ना फिर इसको क्या करना है सामान रखना है स्टोर वगैरह के लिए। तो वो कहाँ से शुरू करें आगे वीडियो? पांच छह किचन है हमारे, इधर चलते हैं। इधर चलते हैं पीछे वाली साइड दिखाते हैं पहले। नहीं नहीं साइड से चलते। तो ये देखे माशाल्लाह से लाइटिंग लग रही है। अच्छा तो ये बाहर से विंडो है तो सारी जो है ना इंशाल्लाह पूरी वीडियो आपको शेयर करेंगे आज ठीक है। तो अभी जो है ना पहुँचे हैं घर में तो सबसे पहले तो ये देखें बाहर की खिड़की माशाल्लाह से शीशे की बनी है। मान लीजिए चलो जाओ भाई। हाँ तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है वसीम भाई का। अल्लाह ताला इसके नसीब करे इनके दोनों के नसीब करे। अल्लाह पाक वसीम को अल्लाह पाक खुश रखे इस घर में जी बिल्कुल। तो अंदर जाते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे मार्बल लगा है जो बहुत ही अच्छा कलर है। हाँ और ये लाइटिंग भी मुकम्मल है देखें बाहर से। हाँ अभी ये पहला कमरा है। ओह वसीम भाई भी इधर आ गए। क्या हाल है? ठीक हो? अभी जगह काम बस कुछ रहता है ऐसे बस थोड़ा रह गया। अच्छा नहीं लगे शीशे आ रहे हैं आज आज सुबह लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। माशाल्लाह से बाहर से बहुत अच्छा कलर है देखें ग्रे कलर कराए जो देखें लाइटें वगैरह भी बहुत अच्छी लगी हुई है। देखिए सारी लाइटें मुकम्मल है सारी इकट्ठे खाना शाना बनाएंगे। उस्मान घर दिखाता है ऊपर देख रहा है ऊपर देख रहा है। तो बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ तो पहला कमरा यही है ना? पहला कमरा
अच्छा ये तो पहले से पढ़वाया है, पहले से पढ़वा ही रहा था, आपने कहा कि ये इसकी डिजाइन है। हाँ तो ये बाद में बनवाया था, क्योंकि ये नाम हो चुके हैं, बड़ा दिल वसीम का है, छोटा दिल सोनिया का। वसीम भाई आज तो सुस्त हो गए खड़े हैं, क्योंकि थक गए हैं, काम करते कर थक गए हैं। हां तो ये नीचे डिजाइन बना हुआ है मार्बल का, देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा है, माशाल्लाह पाक इन दोनों के नसीब बच्चे करे और इस जगह में रहना नसीब करे। जी बिल्कुल। तो दूसरा कमरा ये है, इधर से साथ ही मेन गेट ये है इनका, दरवाजे मुकम्मल है, ये घर बनाया है बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत से, दिल लगा के ये काम किया है। तो ये देखें इधर से खिड़कियां, हां नहीं शीशा भी नहीं लगा, तो ये गेट दरवाजा है ऊपर से माशाल्लाह लिखा हुआ है, तो ये पहला दरवाजा इधर से, ये इनका इधर से शीशे लग गए हैं, ये देखें। तो बाकी ये देखें, ये ऊपर से इसका बोल है, छत माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। हाँ पूरा घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, देखें। हाँ खुद आके लगवाएगी तो इधर से इन्होंने खिड़की रखाई है, क्योंकि हवा वगैरह आए इधर से तो ठंडी हवा आती है। देख क्या है, देख जाता है माशाल्लाह, उस बार तो ये इनका जो है ना बेडरूम है, ये भी नहीं, ये बेडरूम है। अच्छा इसकी है। हाँ हर कमरे का अलग अलग डिजाइन है, हर कमरे का अलग अलग डिजाइन है। क्या हो गया आप? तो इधर भी ये बाड़ी अभी रहती है, बच्चे के लिए और ये भी तो बच्चे का बात किया है, सबसे ज्यादा भी तो जाए जाए आप ही। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, शीशे वाला देखें। तो अभी आगे जाते हैं और किचन भी दिखाते हैं आपको, किचन किस तरह बना हुआ है। और ये सामने वाला किचन है इनका, किचन के सामने खिड़की लगा दी है। हाँ ये इधर दरमियान में शीशा आएगा अभी इसमें, इस जगह पर। तो ये इसका डिजाइन है, देखें इधर हवा वगैरह ठंड ठंड जाती है। ये बहुत अच्छा है, शहर में कोठियां बनी होती है ना, उस तरह की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। नसीब करे हमें बहुत ज्यादा खुशी है। चलो मैं आपको सलाती हूं, मैं चावल बनाती हूं, वो कहते नहीं एक कमरे में चला जाए, दूसरे कमरे में चला जाए। बड़ा बेड तो दिखाओ, अभी जिसमें बेड माशाल्लाह, जिसमें अभी बेडरूम पीछे ले जाओ, बाथरूम वगैरह वो भी होगा, बाथरूम नहीं बने, बाथरूम हो रहा है। तो ये लाग लगे हैं माशाल्लाह बहुत बड़े, बहुत अच्छे लाग है, जो नए किस्म के लाग है। अभी बात की सफाई नहीं हुई, अभी सफाई नहीं हुई यहाँ पे, पार्ट्स लग गए हैं। तो ये देखिए पीछे वाले साइड पर भी पार्ट्स लग गए, और ये सामने वाला डिजाइन, पीछे वाला डिजाइन जो है ना ये है बैक पे। ये देखें अभी लाइटिंग की छत बांध रही है, लाइटिंग की डोगी पंप पीछे लगवा दिया है, मोटर पीछे लग गई है, सही है, वाटर पीछे आ गई है। हां मतलब लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है, देखिए ये देखिए
अभी लाइट रात जब रात होगी ना फिर ज्यादा अच्छी लगेगी। एक ही कलर है ना लाइटिंग? नहीं नहीं अलग-अलग होंगे। कलर एक होगा, एक होगा ऊपर अलग होंगी फिर। इनको हाथ ना लगाए। अभी बस दो तीन दिन रह गए ना शादी को। तो ये बाहर का व्यू है, देखें बाहर गेट लगा हुआ है, तो ये मेन गेट है। ये मेन गेट है। तो आज लाइटिंग वगैरह लग रही है, देखें शादी की लग रही है जी। तो हमारी शादी तकरीबन आज से शुरू है। हाँ तो जो है ना इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।